में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के सदस्यों की बढ़ती गिरफ्तारी के साथ ही अब गहरे षड्यंत्र के पीछे की गई फंडिंग के तार भी जल्द सामने आ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर पहले ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद समेत 25 सदस्यों और उनके करीबियों के खाते थे। अब गिरफ्तार 108 सक्रिय सदस्यों के खातों में हुए लेनदेन की जांच में कई बड़े तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ी उम्मीद लगने की है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश से में पिछले एक साल से संगठन आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टों के जरिए वर्ग विशेष के युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें लगातार कर रहा था। पुलिस ने इसे लेकर पहले कई मुकदमे भी दर्ज किए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया है कि बीते चार दिनों में 19 और 20 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा की घटनाओं में पुलिस ने पीएफआई के 108 और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में पूरे प्रदेश में पीएफआई के 108 व्यक्तियों सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका जनपदवार विवरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जनपद लखनऊ चार दिनों में, लखनऊ में 14, सीतापुर 3, मेरठ 21, गाजियाबाद 9, मुजफ्फरनगर 6, शामली 7, बिजनौर 4, वाराणसी 20, कानपुर 5, गोंडा 1, बहराइच 16, हापुड़ 1 और जौनपुर 1।